दुश्मनों के लिए काल कहे जाने वाले सबसे घातक हेलीकॉप्टर अपाचे को इजराइल में बनी स्पाइक NLOS मिसाइल से लैस किया गया है, जिसके बाद ये और भी ज्यादा घातक हो गई है, क्योंकि इस मिसाइल के लगने के बाद अपाचे की ताकत समुद्री मिशनों में भी काफी बढ़ गई है। H-64E अपाचे ने अमेरिका के एग्लिन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के बाद स्पाइक NLOS मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया। जैसे ही इसे फायर किया गया, वैसे ही मिसाइल ने समुद्र में 32 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के एक बोट को एक झटके में ही समुद्र में डुबा दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब अपाचे का इस्तेमाल समुद्री मिशनों के लिए किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में इसको जमीनी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मनों पर हमला करने के लिए यूज किया जाता रहा है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज की दूसरी मिसाइलों की तरह ही काम करती है। इसमें पायलट अपने लक्ष्य को आंखों से बिना देखे केवल रडार की मदद से मिसाइल फायर कर सकता है। इस बात की जानकारी देते हुए अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि त्रिस से केवल 3 दिन पहले ही अपाचे हेलीकॉप्टर में कुछ आवश्यक फेरबदल कर इसे स्पाइक मिसाइल को फायर करने वाली हथियार प्रणाली से जोड़ा गया। इस टेस्ट से पहले अमेरिकी वायुसेना के इंजीनियरों ने हेलीकॉप्टर और मिसाइल प्रणाली की सभी उड़ान और जमीनी पहलुओं की जांच की, जिसके बाद क्लियरेंस मिलने के बाद इस मिसाइल को समुद्र में घूम रही एक बोट के ऊपर फायर किया गया। बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने साल 1981 में स्पाइक NLOS मिसाइल की पहली पीढ़ी का इस्तेमाल किया था। मिसाइल की घातकता और इसकी उन्नत तकनीक के कारण इजराइल ने कई दशकों तक इसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया था। वो तो बाद में जब इजराइल ने कई दोस्त मुल्कों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तब दुनिया को इस मिसाइल के बारे में सार्वजनिक रूप से पता चला। साल 2020 महीना जून 2020 में इसे बनाने वाली इजराइल की हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने घोषणा की थी कि वो इस हथियार के 5वीं पीढ़ी वाले संस्करण को विकसित कर रहा है, जिसकी अधिकतम रेंज 32 किलोमीटर से ज्यादा होगी। तो चलिए अब हम आपको इस मिसाइल की खासियत से रूबरू कराते हैं। यह मिसाइल तेजी से चल रहे लक्ष्य के खिलाफ भी सटीकता से हमला करने में सक्षम है। मौसम कितना भी खराब क्यों न हो, धुएं और धूल से भरे जंग के मैदान ही क्यों न हो, यह मिसाइल अपना टारगेट खोज लेती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में थर्मल इमेजिंग से लैस सिस्टम बंद पड़ जाते हैं, लेकिन ये मिसाइल अपने लक्ष्य को हर मौसम में सटीकता से भेद सकती है। अमेरिकी सेना पहले भी इस मिसाइल की संभावनाओं को चरम स्तर पर टेस्ट कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।